हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई भेजे गए सभी आतंकियों की पहचान हिंदू आतंकी के नाम से की जानी चाहिए। कसाब को जेल में मारने के लिए पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम का हथियार का इस्तेमाल किया था। जब संजय दत्त अपने पिता को देख के किस तरह फूट फूट कर रोए और अपने इस मामले के बारे में उन्होंने अपने पिता को क्या कहा, इसकी सारी जानकारी राकेश मारिया ने इस किताब में रखी है। नमस्कार, मैं हूँ गणेश ठाकुर, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज वेब एक्सप्लेनर। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ के बारे में। ये किताब फिलहाल देश में चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि इस किताब में राकेश मारिया ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साथ साथ 1993 बम धमाकों के साथ साथ फिल्म अभिनेता संजय दत्त, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलेम, अरुण गवली जैसे कई बड़े गुनहगारों की कहानी या उनके रहस्यों की जानकारी इस किताब में दी है। इसके अलावा राकेश मारिया ने अपनी आखिरी इन्वेस्टिगेशन शीना बोरा हत्याकांड के बारे में भी कई अहम खुलासे किए हैं और इस केस के बारे में लिखते हुए उन्होंने मुंबई पुलिस के ही अपने कुछ साथियों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राकेश मारिया ने अपनी इस किताब में सबसे अहम खुलासा किया है देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले यानी 26/11 आतंकी हमले के बारे में। राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने साजिश रची थी कि मुंबई भेजे गए सभी आतंकियों की पहचान हिंदू आतंकी के नाम से की जानी चाहिए, इसलिए एक प्लान भी बनाया गया था। प्लान के मुताबिक सभी 10 आतंकवादियों को एक हिंदू पहचान उस तरह का एक प्रमाण पत्र उनके साथ भेजा गया था। साजिश ये थी कि जब भी ये पकड़े जाते या मारे जाते तो उनके पास में पाकिस्तान का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता और प्रमाण मिलता तो वो होता हिंदू होने का। इसीलिए सभी 10 आतंकवादियों को हिंदू नाम दिए गए थे, उस तरह के आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए थे जैसे कसाब को समीर चौधरी के नाम का आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था। इसके अलावा आतंकियों ने सभी 10 आतंकवादियों के हाथ में हिंदू धर्म में जो हिंदू मान्यता रखने वाले लोग कलावा बांधते हैं उस तरह के कलेवे भी दिए थे। ये कैसे किया गया इसके बारे में राकेश मारिया ने लिखा है, आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और जबीउद्दीन अंसारी इन दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी और ये पूरा प्लान हफीज सैयद और जकीउर रहमान लखवी के सामने रखा गया था। डेविड कोलमैन हेडली ने सभी 10 आतंकवादियों के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए प्रमाण पत्र या उस तरह के दस्तावेज भारत से लाए थे। इसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली ने ही मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जाकर हाथ में बांधने वाले धागे या कलेवे लिए थे और ये पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग कैंप में दिए। जब ये सभी आतंकी मुंबई की तरफ रवाना किए गए तो उन सभी के हाथ में जकीउर रहमान लखवी ने ही कलेवे बांधे और उनको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया। साजिश ये थी कि जब भी ये आतंकवादी पकड़े जाते या उन्हें मार गिराया जाता तो उनके पास से इस तरह हिंदू होने का प्रमाण पुलिस को मिलता जिससे पुलिस की जांच इस दिशा में जाती कि मारे गए आतंकवादी हिंदू थे और ये कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद की साजिश थी। ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि साल 2008 में ही महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू आतंकवाद का पहला केस किया गया था जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी को आधार बनाते हुए ये प्लान रचा गया और ये कहा गया कि इन सभी को हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जाना चाहिए, उस तरह का जामा पहनाना चाहिए ताकि जब जांच हो तो उसी दिशा में जांच की जाए और पाकिस्तान से जुड़े इन आतंकियों के तार तक जांच एजेंसी के अधिकारी या भारत ना पहुंच सके। लेकिन अजमल आमिर कसाब का जिंदा पकड़ना ही इन आतंकी आकाओं के खिलाफ का सबसे बड़ा सबूत था और उसी को आधार बनाते हुए भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत रखे गए, केस चलाए गए और पाकिस्तान का गुनाह बेनकाब किया गया। किताब में राकेश मारिया ये भी लिखते हैं कि जिंदा पकड़ा गया आतंकी अजमल आमिर कसाब किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अहम सबूत था और उसे जिंदा रखना कितना अहम था, उसके लिए किस तरह की योजना रची गई, किस तरह की सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, किस तरह के खतरों का सामना मुंबई पुलिस को करना पड़ा, इस बारे में भी राकेश मारिया किताब में लिखते हैं। राकेश मारिया ने दावा किया है
कि कसाब को जेल में मारने के लिए पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम का हथियार का इस्तेमाल किया था, यानी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने कसाब को जेल में मारने की साजिश रची थी और उसे सुपारी भी दी थी, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाया क्योंकि इसकी खबर भारतीय एजेंसी और मुंबई पुलिस को लग चुकी थी और इसीलिए मुंबई के आर्थर रोड जेल में कसाब के लिए एक विशेष सेल बनाया गया था और वहीं पर कसाब के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए अदालत भी बनाई गई थी। डेढ़ साल तक पूरा मामला उस अदालत में चला, पाकिस्तान और कसाब का गुनाह उस अदालत में साबित हुआ। उसके बाद जितनी सुरक्षा में कसाब को जिंदा रखा गया था उतनी ही सुरक्षा में कसाब को फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया गया। राकेश मारिया लिखते हैं कि जिंदा रखना उनके लिए एक बड़ी प्राथमिकता थी कसाब को। इसी तरह गुनाह साबित होने के बाद उसको जब सजा दिलाई जानी थी उस समय उसे मुंबई से पुणे ले जाने में भी उतनी सुरक्षा मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस सरकार द्वारा लगाई गई थी। केंद्र सरकार को पूरी जानकारी दी गई थी और रातों रात कसाब को मुंबई से पुणे ले जाया गया और किस तरह सुरक्षा में उसे सुबह के समय पुणे की येरवड़ा जेल में फांसी पर लटकाया गया। राकेश मारिया 26/11 आतंकी हमले को लेकर ये भी खुलासा करते हैं कि अजमल आमिर कसाब की तस्वीर मुंबई पुलिस सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी क्योंकि देश में राज्य में लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था इन आतंकियों के खिलाफ। इसके अलावा सिर्फ लोगों में ही नहीं तो मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों में भी आतंकी अजमल आमिर कसाब के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि अजमल आमिर कसाब और इस्माइल उसके साथी नहीं, मुंबई पुलिस के बड़े पुलिस अधिकारी और कर्मचारी विजय सालस्कर, अशोक कांटे, हेमंत करकर जैसे बड़े अधिकारी और पुलिस कर्मियों को उन पर हमला करके उनको मौत दी थी। इसी वजह से मुंबई पुलिस और राकेश मारिया की टीम ये नहीं चाहती थी कि अजमल आमिर कसाब कहाँ है, उसे कहाँ रखा गया है या उसकी तस्वीर सार्वजनिक हो सके क्योंकि उन्हें डर था कि मुंबई पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अपना गुस्सा अजमल आमिर कसाब पर उतार सकते हैं और उसके साथ कुछ भला बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन सीएसटी रेलवे स्टेशन पर ही मुंबई मिरर के एक रिपोर्टर ने अजमल आमिर कसाब की तस्वीर खींची और दूसरे दिन वो तस्वीर सार्वजनिक भी हुई। उसके बाद उनकी दिक्कत और चिंता और बढ़ी क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि आखिर ये आतंकी कौन है और इसीलिए मुंबई पुलिस को अजमल आमिर कसाब के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े थे। राकेश मारिया ने अपनी किताब में 1993 बम धमाकों की जांच और फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बारे में भी कई बड़े खुलासे किए हैं। इस किताब में राकेश मारिया ने बताया कि आखिर 1993 बम धमाकों की जांच किस तरह गई थी, किस तरह 100 से ज्यादा गुनहगारों को उन्होंने पकड़ा था और किस तरह संजय दत्त, अबू सलीम और कई दूसरे बड़े नाम अंडरवर्ल्ड और फिल्म जगत के इस मामले से जुड़े रहे। बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त के बारे में राकेश मारिया को कैसे पता चला इसके बारे में भी राकेश मारिया खुलासा करते हैं। जांच के दौरान राकेश मारिया ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि समीर हिंगोरानी नाम का एक शख्स के पास मुंबई में आए हुए हथियारों के तस्करी या जो खेप आया था उसके बारे में पूरी जानकारी है। हथियार किसने लाए, कहां से आए, किसके पास रखे गए। समीर हिंगोरानी को जब गिरफ्तार किया उसके साथ इसके एक साथी और दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे जब पूछताछ हुई, उनसे जब सख्ती बरती गई तो उन्होंने राकेश मारिया को इंट्रोगेशन के बारे में के दौरान ये कहा कि आप सिर्फ हम गरीबों के ऊपर ही इस तरह सख्ती बरत सकते हैं, उन तक नहीं पहुंचेंगे जो बड़े नाम हैं और जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। राकेश मारिया ने इन दोनों से पूछा कि आखिर वो बड़ा नाम कौन है, उसका खुलासा करें। दोनों ने जब वो नाम लिया तो राकेश मारिया भी कहीं ना कहीं चौंक गए क्योंकि वो नाम था फिल्म अभिनेता संजय दत्त का। दोनों ने ये बताया कि संजय दत्त के घर पे भी हथियारों का एक जखीरा पहुंचा था और संजय दत्त ने AK-56 और दूसरे कुछ हथियार अपने पास रखे थे। राकेश मारिया को जब ये जानकारी मिली तो पहले उन्होंने मुंबई पुलिस के तब के कमिश्नर MN सिंह को उसकी जानकारी दी। राकेश मारिया ने MN सिंह को जानकारी देने के बाद MN सिंह ने कहा कि मामले की जांच करो और सोच समझ के करो। करीब एक महीने तक संजय दत्त को लेकर कड़ी छानबीन हुई, जांच हुई और जांच में यह पता चला कि संजय दत्त के घर पे भी हथियारों का जखीरा पहुंचाया गया था। उसके बाद यह तय हुआ कि संजय दत्त को इस मामले में गिरफ्तार करना है। लेकिन इस बीच संजय दत्त जो है वो शूटिंग के लिए देश के बाहर चले गए थे। राकेश मारिया ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। राकेश मारिया संजय दत्त तक पहुंचे
उनके परिवार तक पहुंचे और ये जानकारी राकेश मारिया ने दी कि दत्त के बारे में क्या क्या सबूत उन्हें मिले हैं। दत्त लगातार बड़े बड़े रसूखदार लोगों के जरिए उन पर या मुंबई पुलिस पर दबाव या अपनी बात रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुंबई पुलिस तय कर चुकी थी कि संजय दत्त को इस मामले में गिरफ्तार करना है। किसी तरह दत्त को भारत वापस आने के लिए कहा गया। दत्त वापस भारत आने के लिए राजी हुए और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ही दत्त को उन्होंने पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। राकेश मारिया ये भी बताते हैं कि संजय दत्त की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं गोपनीय रखनी जानी थी, लेकिन दत्त को गिरफ्तार करने से पहले ही डेली नाम के एक अखबार में दत्त के बारे में जानकारी आई कि उनके पास भी AK-56 हथियार पहुंचा था, इसीलिए मुंबई पुलिस को तुरंत हरकत में आकर उसे तुरंत गिरफ्तार करना पड़ा। संजय दत्त को गिरफ्तार करने के बाद पहली बार जब संजय दत्त मुंबई एयरपोर्ट से बाहर लाया जा रहा था, उस समय दत्त ने यह कहा कि उन्हें अपने परिवार के लोगों से मिलना है, लेकिन पुलिस ने उसकी इजाजत नहीं दी। संजय दत्त का सामान उनके लोगों के साथ उनके परिवार के लोगों तक पहुंचाया गया। इसके बाद में संजय दत्त को मुंबई पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा। हिरासत में रहने के समय राकेश मारिया को कमिश्नर एमएन सिंह का फोन आया और उन्होंने कहा कि सुनील दत्त को मुंबई पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं और उन्हें हमें बैठकर इस मामले के बारे में जानकारी देनी है, उन्हें समझाना है। राकेश मारिया यह समझ गए थे कि सुनील दत्त को समझाने के लिए उन्हें संजय दत्त को ही सामने करना होगा, इसीलिए एमएन सिंह की मौजूदगी में राकेश मारिया, सुनील दत्त, संजय दत्त और कुछ दूसरे पुलिस अधिकारी, इन लोगों के बीच बातचीत हुई और संजय दत्त ने अपने पिता के सामने ही हथियार रखने की बात कबूली और उसके बाद सुनील दत्त ने मुंबई पुलिस की थ्योरी पर यकीन किया और बाद में सुनील दत्त ने अपने बेटे के लिए केस आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिश शुरू रखी। लेकिन वो समय था जब संजय दत्त अपने पिता को देख के किस तरह फूट फूट कर रोए और अपने इस मामले के बारे में उन्होंने अपने पिता को क्या कहा, इसकी सारी जानकारी राकेश मारिया ने इस किताब में रखी है। राकेश मारिया ने अपनी इस किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को नहीं पकड़ पाने का मलाल भी जाहिर किया है। राकेश मारिया ने किताब में लिखा है कि 1993 बम धमाकों की जांच करते समय उन्हें कई लोगों के बारे में इनपुट मिल रहे थे। इसी तरह जेबुनिसा काजी नाम की एक महिला के बारे में उन्हें जानकारी मिली। जेबुनिसा काजी वो महिला थी जिसके पास हथियारों का जखीरा पहुंचा था। राकेश मारिया ने उससे जांच के लिए बुलाया। जांच के लिए जब वो पहुंची, उस समय उन्होंने राकेश मारिया के सामने अपना दुखड़ा बयान किया, अपनी जिंदगी के बारे में बात रखी। राकेश मारिया जेबुनिसा की बात सुनकर कहीं ना कहीं पिघल गए और उन्हें मुंबई पुलिस की इस जांच के दायरे से बाहर रखा। लेकिन बाद में एक और व्यक्ति राकेश मारिया के पास आया और उसने बताया कि जेबुनिसा काजी के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं और उसे इस पूरे बम धमाके और हथियारों के जखीरे के बारे में सारी जानकारी है। राकेश मारिया समझ चुके थे कि आखिर जेबुनिसा काजी ने किस तरह अपने आंसुओं के जरिए उन्हें धोखा दिया है। राकेश मारिया ने उस औरत को वापस जांच के लिए बुलाया। जब जेबुनिसा काजी दोबारा जांच के लिए राकेश मारिया के सामने आई तो यह समझ चुकी थी कि राकेश मारिया उससे कितना गुस्सा है। इससे पहले कि राकेश मारिया उससे कुछ पूछ पाते, जेबुनिसा काजी ने ही अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि वो अबू सलेम नाम के एक आदमी के डर की वजह से सारी जानकारी उन तक नहीं पहुंचा पाई। उस समय पहली बार अबू सलेम का नाम राकेश मारिया की रडार में आया 1993 बम धमाकों को लेकर। अबू सलेम उस समय एक गैंगस्टर था लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं। जेबुनिसा काजी की जानकारी के आधार पर राकेश मारिया अबू सलेम तक पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन राकेश मारिया अबू सलेम तक नहीं पहुंच सके क्योंकि पहले दिन जांच के बाद जेबुनिसा काजी ने बाहर आकर ही अबू सलेम को राकेश मारिया और मुंबई पुलिस की जांच के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। अबू सलेम ये समझ चुका था कि राकेश मारिया उस तक किसी भी समय पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही मुंबई से भागकर नेपाल चला गया और नेपाल के रास्ते दुबई, और दुबई जाने के बाद अबू सलेम जो एक छोटा गैंगस्टर था एक अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन गया। राकेश मारिया ने अपनी इस किताब में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। राकेश मारिया ने कहा कि मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP होने के नाते उनके पास कई उनके खबरी मुखबिर या लोग जो अंडरवर्ल्ड की जानकारी रखते थे उन तक पहुंचते और उनको सारी जानकारी देते।
जब वो मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी नहीं थे और दूसरी जगह पर उनकी पोस्टिंग थी, उस समय भी ये तमाम लोग उनसे मिलने आते। उनके एक मुखबिर ने उन्हें जानकारी दी कि अंडरवर्ल्ड गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रच रहा है। उस समय उन्होंने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस के कुछ आला अधिकारियों को भी दी जो क्राइम ब्रांच से संबंधित थे। राकेश मारिया के इनपुट के आधार पर गुलशन कुमार को सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा काफी नहीं थी, ऐसा राकेश मारिया कह रहे हैं। राकेश मारिया के मुताबिक सुरक्षा देने के बावजूद अंडरवर्ल्ड गुलशन कुमार की हत्या के लिए शूटर्स मुंबई भेज चुका था, इसकी जानकारी भी उन्हें मिली थी। राकेश मारिया ने यह जानकारी पुलिस से साझा की, क्राइम ब्रांच से साझा की और अपने नेटवर्क के जरिए भी काम शुरू किया। राकेश मारिया के मुताबिक उन्होंने गुलशन कुमार के बारे में महेश भट्ट से जानकारी ली। महेश भट्ट और गुलशन कुमार करीबी माने जाते थे। राकेश मारिया के पास ये जानकारी थी कि अंडरवर्ल्ड के शूटर गुलशन कुमार पर शिव मंदिर जाते समय या शिव मंदिर परिसर में ही हमला करने वाले हैं। राकेश मारिया ने महेश भट्ट को फोन करके ये पूछा कि क्या गुलशन कुमार किसी शिव मंदिर रोज जाते हैं। महेश भट्ट ने जानकारी दी कि जाते हैं और उनका दिन उसी शिव मंदिर में शिव आराधना करने के बाद ही शुरू होता है। राकेश मारिया समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं यही जगह है जहां पर गुलशन कुमार को टारगेट किया जाना है। इसकी जानकारी राकेश मारिया ने मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को दी थी। सुरक्षा भी थी लेकिन सुरक्षा कम थी और इसी वजह से गुलशन कुमार की हत्या करने में अंडरवर्ल्ड कामयाब रहा, ऐसा राकेश मारिया अपनी किताब में लिखते हैं। राकेश मारिया ने अपने 30 साल की ज्यादा सर्विस के बारे में इस किताब में लिखाई है, लेकिन इस किताब का अहम हिस्सा है उनके सर्विस का आखिरी इन्वेस्टिगेशन यानी शीना बोरा हत्याकांड। इस हिस्से में राकेश मारिया ने अपने ही कुछ साथियों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राकेश मारिया अपने किताब में लिखते हैं कि शीना बोरा हत्याकांड में जांच करने की वजह से ही उन्हें ट्रांसफर किया गया था और इस ट्रांसफर को लेकर वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ACS होम KP बख्शी पर भी सवाल खड़े करते हैं। राकेश मारिया ने इस किताब में लिखा है कि अंडरवर्ल्ड का जानकारी रहने की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं ना कहीं माहिर थे और इसी वजह से कमिश्नर होने के बावजूद शीना बोरा हत्याकांड में उन्होंने खुद ही होकर जांच शुरू की थी। राकेश मारिया ने किताब में लिखा, एक दिन वो अपने साथी जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती के साथ पीटर मुखर्जी की जांच करने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां पीटर मुखर्जी से जब उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूछा कि आखिर उसने इस हत्याकांड या शीना बोरा मिसिंग होने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। इस पर पीटर मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने इसकी जानकारी उनके साथी यानी देवेन भारती को दी थी और शिकायत भी की थी कि शीना बोरा मिसिंग है, उसकी जांच करें, उसको ढूंढें। ये सुनने के बाद राकेश मारिया ने देवेन भारती के पास देखा लेकिन देवेन भारती कुछ कह नहीं सके। राकेश मारिया ये भी आरोप लगाते हैं कि पीटर मुखर्जी के इस आरोपों के बारे में वो देवेन भारती या उसकी तह तक पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले ही उनका ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर भी एक मैसेज के जरिए किया गया था। राकेश मारिया ने किताब में लिखा है कि अमूमन ट्रांसफर होने की जानकारी मुख्यमंत्री के दफ्तर से या एक प्रोटोकॉल के मुताबिक आती है, लेकिन उनका ट्रांसफर एक मैसेज के जरिए किया गया था और उसमें ये लिखा था कि उनको प्रमोट करके DG होमगार्ड बनाया जा रहा है और यह मैसेज लिखा था KP बख्शी ने। राकेश मारिया इस ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाते हैं कि उनका ट्रांसफर उन्हें लगता है कि इस वजह से किया गया था क्योंकि वो शीना बोरा हत्याकांड की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। राकेश मारिया इस किताब में लिखते भी हैं कि देवेन भारती ने उनसे शीना बोरा मिसिंग होने की जानकारी उनके पास मौजूद थी, ये खुलासा उन्होंने नहीं किया। राकेश मारिया कहते हैं कि देवेन भारती ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उनसे छुपाई। इस पर देवेन भारती ने पलटवार करते हुए राकेश मारिया के सभी आरोपों को झूठ बताया है। देवेन भारती कहते हैं कि उन्होंने राकेश मारिया से किसी तरह की जानकारी नहीं छुपाई थी और जो जानकारी सार्वजनिक है यानी जो केस डायरी है, जो FIR का हिस्सा है, उससे ही साफ होगा कि उन्होंने कौन सी जानकारी छुपाई थी या नहीं। राकेश मारिया पर देवेन भारती ये भी आरोप लगाते हैं कि ये सारे किताब में किए खुलासे सरासर गलत है, बेबुनियाद है और किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। इसके अलावा KP बख्शी ने भी राकेश मारिया के इस खुलासे पर सवाल उठाए। राकेश मारिया के इस किताब में उनके बारे में लिखे गए अंशों के बारे में KP बख्शी कहते हैं
जो ट्रांसफर हुआ था वो एक प्रोटोकॉल के मुताबिक हुआ था। राकेश मारिया जो कहते हैं उसमें किसी तरह का तथ्य नहीं है। राकेश मारिया ने अपनी इस किताब में मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद पर भी पीटर मुखर्जी का दोस्त होने का आरोप लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि जब वो मुंबई महाराष्ट्र पुलिस में थे उस समय 2012 में जब शीना बोरा हत्याकांड हुआ था, रायगढ़ में जब शीना बोरा के मिसिंग होने के बाद उसका शव पुलिस को बरामद हुआ था, उस समय महाराष्ट्र पुलिस में अहमद जावेद एक बड़ी पोस्ट पे थे और उस पोस्ट का आधार बनाते हुए क्या इस मामले में पीटर मुखर्जी की किसी तरह की मदद हुई है, ऐसा आरोप या ऐसा सवाल भी राकेश मारिया ने अपनी इस किताब में उठाया है। इस पर अहमद जावेद ने कहा है कि जो जानकारी या जो सवाल राकेश मारिया ने उठाए हैं वो सरासर गलत है और आरोप भी पूरी तरह से बेबुनियाद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।